हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, न्यू चैप्टर है, यूनिट फाइव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हेलो स्टूडेंट, यूनिट फाइव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें मल्टीप्लाई करना है, नीचे कितने टू डिजिट है मल्टीप्लाई। सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कितने में करना है, 7। 3 का 10 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 7 21 का 1 कैरी कितनी आई, 2। 3 4 12 12 2 14 का 4 कैरी 1। 3 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1। 3 1 3 और 1 कितना हुआ, 4। अब क्या करना है, इसके नीचे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि टू डिजिट का है क्वेश्चन। अब 2 का इंटू किस में करेंगे, हमने 3 का इंटू 7 में किया, 4 में किया, 3 में किया, 1 में किया। अब हमें इसी तरह से 2 का इंटू पहले 7 में करेंगे, फिर 4 में, फिर 3 में और फिर 1 में। तो सबसे पहले 2 का इंटू कितने में पढ़ना है, 7 में करना है। तो 2 का 10 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 7 जो 14 का 4 कैरी 1। 2 4 जा 8 और 1 9। 2 3 जा 6, 2 बन जा 2। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1 का 1, 4 और 4 8, 9 का 9, 4 और 6 10 का 0 कैरी 1, 4 1 3। तो इस तरह से हमने 1347 में 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया नीचे। अब हम कितने का करेंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। ये था 2 डिजिट से, अब ये 3 डिजिट से करना है 3 में। तो सबसे पहले 0 का किसमें करेंगे, 7। तो हमने बताया था किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो क्या आता है, 0। 0 का इंटू किया तब भी क्या आएगा, 0। 0 का 9 में किया तो 0 क्रॉस लगाएंगे। और 5 का 7 में करना है तो 5 7 में 35 का 5 कैरी 3। 5 में जो 40 और 3 43 का 3 कैरी 4। 5 में जो 45 और 4 49। अब किसका करना है, 4 का, 4 7 का 28 का 8 कैरी 2। 4 8 का 32 और 2 कितना हुआ, 34। 34 का 4 कैरी 3। 4 9 का 36 और 3 39। सबको ऐड कर दो, 0 का 0, 5 का 5, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 3 और 1 4। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इस नंबर पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, 1। तो 1 का हम किसी भी, हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 का हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का कोई नंबर आता है। तो इस तरह से 1 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे डिजिट में तो हमें वही का वही नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वही का वही नंबर लिख देंगे और साथ में हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पर एक 0। तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ये तो बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट मेथड है, सिंपल तरीका है। यदि आपको कुछ डाउट है तो हम साइड में इस तरह से भी कर सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट। ऐसे भी करके देख सकते हैं, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट 0 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 0, 0 का 3 में किया तो 0, 0 का 6 में किया तो 0, 0 का 2 में किया तो 0, 0 का 1 में किया तो 0। अब 1 का 5 में किया तो 5,
वन का थ्री भी किया था थ्री, वन का सिक्स में सिक्स, वन का टू में टू, और वन का वन भी किया था वन। सब पार्ट कर दो यहाँ, जीरो का जीरो, फाइव का फाइव, थ्री का थ्री, सिक्स का सिक्स, टू का टू और वन का वन। मैच कर लीजिए आंसर, डायरेक्ट हम करें तो भी वही का वही आ रहा है इस तरीके से, और हम यहाँ पर साइड में करके देखें इस तरह से मल्टीप्लाई तो भी हमारा आंसर वही का वही आ रहा है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जिनको डायरेक्ट नहीं करना है तो साइड में इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, एट सिक्स थ्री फाइव इंटू टू जीरो, ट्वेंटी से करना है। देखिए टू फाइव का टेन, टेन का जीरो, कैरी वन, टू थ्री का सिक्स और कैरी कितने हो बेटा सेवन, टू सिक्स का ट्वेल्व का टू, कैरी वन, टू एट का सिक्सटीन और वन कैरी को ऐड किया तो कितने हो बेटा सेवेंटीन, और हमारे जीरो है यहाँ पर टू के साथ में, तो यहाँ पर हमारे जीरो भी आ जाएगा। और सारे वर्क में इसी तरह से करेगा, एक मिनट आप करकर वही का वही आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में मल्टीप्लाई है थ्री डिजिट का थ्री डिजिट के साथ, एक क्वेश्चन उसका भी हम आपको समझाते हैं। Write in the vertical form and multiply. Question number three का first question है, question number three, write in the vertical form and multiply. सबसे पहले number हमें ये 768 में को मैं मल्टीप्लाई करना है 594 से, तो हमें वर्टिकल फॉर्म में हमने इनको अरेंज कर दिया यहाँ पर, 768 लिख दिया ऊपर क्रॉस लगाकर, ये 594 जस्ट उसके नीचे ही अरेंज किया है, जमा दिया। अब हमें सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का, 4 का 8 में किया तो 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 को किया तो 27 का 7 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30। इस तरह से हमने 4 का मल्टीप्लाई तीनों डिजिट में किया, फिर 9 का किया हमने तीनों डिजिट में, फिर किसका किया 5 का तीनों डिजिट में। तो पहले हमने 4 का किया तो ये आया, 9 का किया तो ये डिजिट आया, 5 से किया तो ये डिजिट आया, और फिर तीनों को क्या कर दिया हमने प्लस, जो हमारा आंसर आया वो हमें यहाँ पर क्या करना है फ्लिप करना, 4 5 6 1 9 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन वन के हमने आपको कुछ एग्जाम्पल समझा दिए, टू के और थ्री के भी हो गए, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे।